केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ, चारों तरफ चुनावी लहर है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह लेके घर घर वोट मांगने जा रहे हैं, मत मांगने जा रहे हैं। अभी हमारी पूरी टीम पत्थरगामा प्रखंड के सोनारचक पंचायत में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी और समाज सेवी करण कुमार सिंह जी से हुई है, इनसे ही जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से ये चुनावी मैदान में कूदे हैं और अपने पंचायत को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। करण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का पहला उद्देश्य है कि बिचौलियों और दलालों को ही करना जी, जैसे कि पेंशन में लोगों से दो दो हजार रुपया। अच्छा, हम बात करते हैं आपके पंचायत में वार्ड कितना है? 15 वार्ड है। इसमें समस्या क्या क्या होगी? जैसे समस्या है रोड का है, नल्ला का है, पानी का है, ये सब मुख्य समस्या है जी। पानी के लिए चापाकल की हर एक टोला में चापाकल एकदम चाहिए ही चाहिए, कहीं कहीं चापाकल है तो उसमें दो चार टोला का लोग चापाकल के लिए वहाँ लाइन लगे रहते हैं। चापाकल जब खराब हो जाते हैं तो कोई उसको पूछने वाला नहीं, लोग चंदा करके चापाकल बनवाते हैं जी। तो पेयजल की समस्या सब जगह है, हर वार्ड में। अब हम बात करते हैं, अगर सोनारचक की जनता करण सिंह को अपना मुखिया बनाती है तो उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? उनके लिए तो पहला काम रहेगा कि उनको जागरूक करके उनका हक जो है, सही हक उनको दिलाना मेरा कर्तव्य रहेगा। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो समस्या है जैसे कि बूढ़े लोगों का है, विधवा का है, उनको हक दिलाना, उनका पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब लोगों के लिए हम इतना। आवास योजना पे कैसे काम होगा? आवास योजना में जैसे ग्राम सभा करके बहुत लोगों को जिनको आवास मिलना चाहिए था उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। आवास में लोगों से 5,000-10,000 रुपया का एडवांस लिया जा रहा है जी, कलेक्शन किया है, फिर भी आवास जैसे कि पैसे है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा के स्तर की। शिक्षा जैसे स्कूल है तो उस पर हम लोग का निगरानी रहेगा, जो उच्च विभाग के लोग हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को बनाइए रखिए। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी नहीं। इस व्यवस्था को फिर कैसे देखेंगे? यहाँ के लोग इलाज करवाने कहाँ जाएंगे? तो स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा, वो तो नज़दीक बोलते हैं कि नज़दीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि नहीं भाई, नज़दीक हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आपके पंचायत में कोई पंचायत भवन? हाँ, पंचायत भवन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवकों के लिए खेल कूद का मैदान जी है, वो जगह चयन करके हम लोग चाहेंगे कि उनका खेल का एक व्यवस्था किया जाए, मतलब सरकार से बात करके उस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करें। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे, कैसे काम होगा? महिला को पहले सबसे पहले जागरूक करेंगे। बहुत अच्छी बात। उनके बाद उनका छोटा छोटा धंधा, उनको जैसे कि पापड़ बनाने का, गाय से न बकरी से सब पालन करने के लिए उनको जागरूक करना है, और उनका जो व्यवस्था सरकार से होगा हम लोग उनको हक दिलाने का प्रयास करेंगे। अब करण जी, आपसे लास्ट सवाल, आपने बताया इतने सारे काम करेंगे जितने के बाद शिक्षा संबंधी काम करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों के खेलकूद पर भी ध्यान देंगे, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी काम करेंगे, पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत के जनता को एकदम स्वच्छ को चुनिए, ताकि आपके विरोध किसी तरह का मैटर हो उस पर वो आगे बढ़ के उनको। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है तो आप उनका निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे। वृद्धजनों का सम्मान होगा? जी एकदम होगा। महिलाओं का सम्मान होगा? जी होगा। घुसखोरी प्रथा एकदम बंद होगी या फिर आपका विकास या पंचायत का विकास? सबका विकास, पूरे पंचायत का विकास।
करण सिंह का अपना विकास नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए यही संदेश आप देना चाहते हैं एकदम। क्या नाम है आपका? कर्ण कुमार सिंह। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सेब छाप। क्रमांक संख्या? 1। ग्राम पंचायत? सोनारचक। प्रखंड? पथरगामा। जिला गोड्डा? जिला गोड्डा। आपने देखा जो हमारे एक युवा प्रत्याशी हैं करण जी, इनका क्या कहना है, कितनी अच्छी सोच लेके आए हैं पंचायत में, सब क्षेत्र में ये विकास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने कहा कि घुसखोरी प्रथा एकदम ख़त्म होगी, घुसखोरी प्रथा नहीं रहेगी। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल बने रहें कलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।